बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू बेटर विद जवेरिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल पैनकेक की रेसिपी, जो बिल्कुल इजी है बनाना। आप आसानी से इसको घर में बना सकते हैं और बच्चों की तो फेवरेट होती है। आप उनको चाहे लंच में बना के दें और चाहे उनको ब्रेकफास्ट में दें। तो वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलें जी, अब इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं जो सब यहाँ मौजूद हैं सिंपल पैनकेक्स बनाने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए एक अदद अंडा, एक कप दूध, एक कप मैदा, दो खाने के चम्मच हमें चीनी चाहिए, चुटकी भर नमक चाहिए, एक चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और दो खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल वगैरह ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंडा तोड़कर बाउल में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने अंडा तोड़ लिया और इसको मैंने बाउल में डाल दिया। इसके बाद हम अंडे में दो खाने के चम्मच जो हमने चीनी ली थी वो ऐड कर देंगे। चीनी अंडे में ऐड करने के बाद आप उसको अच्छी तरह से बीट कर लें हैंड मिक्सर की मदद से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड मिक्सर यूज़ कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह बीट करें। इतना अच्छा बीट करें कि वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। इस मिक्सचर के फ्लफ़ी होने का मतलब है कि आपके केक्स भी थोड़े से फ्लफ़ी हो जाएंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी एक कप दूध। एक कप दूध डालने के बाद आप फिर उसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि जो अंडा और चीनी है वो दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और चीनी का कोई दाना ऐसा ना बचे जो मिक्स ना हुआ हो। अच्छी तरह बीट करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक चुटकी नमक और दो खाने के चम्मच जो मैंने ऑयल लिया था, कोई सा भी ऑयल ले लें, वो आप इसमें ऐड कर दें। इसको ऐड करने के बाद मैं एक दफ़ा फिर इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद आप जो बीटर है उसको साइड पर रख दें और एक स्ट्रेनर ले लें। स्ट्रेनर से आप मैदा और जो बेकिंग पाउडर हमें चाहिए एक चाय का चम्मच, वो आप स्ट्रेन कर लेंगे। इस जो मिक्सचर में आप उसको स्ट्रेन करके डालेंगे ताकि कोई भी बीच में गुठली ना रहे और उसकी वजह से लम्स ना बने। इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया। अब आप कोई भी स्पैचुला ले लें या कोई भी चम्मच ले लें और उससे इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि ये जो मैदा है ये आपके जो दूध वाला मिक्सचर है उसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाए और बाहर को गिरे ना। इसको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद फिर आप फिर बीटर ले लें और फिर इसको बीट करें। ये देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको मैं बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ और स्मूथली ये आपका मिक्सचर होना चाहिए। इतना आपने बीट करना है कि बिल्कुल इक्वली स्मूथ हो जाए और बीच में कोई लम्स ना रहें। और आप ये मिक्सचर देख सकते हैं कि ये ना बहुत थिक है और ना ही बहुत थिन है। बहुत ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार हो गया हमारा। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी, आप भी ऐसे ही बना लें। अब मिक्सचर हमारा रेडी है, अब इससे हम पैनकेक्स बनाते हैं। उसके लिए हमने पैन ऊपर चढ़ा दिया है और लो फ्लेम किया है और ये हम पहला जो है पैनकेक डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये मैंने डाल दिया है। ये मैंने 1/3 जो है मेयरिंग कप लिया है, उसकी मदद से मैं ये मिक्सचर जो है ये पैन में डाल रही हूँ। 1/3 कप लेने का मतलब ये है कि आप के जो पैनकेक्स हैं वो सब इक्वली बने। तो ये देखें इस पर बबल आना शुरू हो गए हैं, ये इसकी निशानी होती है कि ये बैक साइड से पक चुका है। अब आप कोई भी चम्मच ले लें, नॉन स्टिक का पलटा ले लें या कोई भी ले लें और बड़े आराम से इसको साइडों से उतार के पलट दें। और ये देखें आप इसको पलटेंगे, ये देखें जैसे मैं पलट रही हूँ मैंने इसको पलट दिया तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और इंशाल्लाह आपका भी ऐसे ही आएगा। फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा आप इसको प्रेस करते जाएं ताकि वो नीचे से भी अच्छी तरह पक जाए और कलर भी खूबसूरत आ जाए, अंदर से भी ये कच्चा ना रहे। तो ये लो फ्लेम पर बना रहे हैं, इसको फिर मैंने डिश आउट कर लिया। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरह बाकी जो पैनकेक्स हैं मिक्सचर के वो मैंने बना लिए थे, आप भी देख सकते हैं। तो ये मैंने 1/3 कप से बनाए हैं सारे। तो इतने मिक्सचर में आके 7-8 जो हैं वो पैनकेक्स इजीली बन सकते हैं। और अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए
तो आप इसी क्वांटिटीज इंग्रेडिएंट की क्वांटिटीज़ को डबल कर लें, दो अंडे कर लें, दो कप मैदा कर लें, दो कप दूध कर लें। तो ये देखें ये किस तरह रेडी कर रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा प्रेस किया है पलटने के बाद मैंने इसको, और फिर मैंने इसको निकाल लिया है। और जिस तरह ये इस साइड से कलर है इसका, दूसरी साइड से भी इसी तरह का ही आएगा। और बहुत सॉफ्ट से, बहुत मज़ेदार से पैनकेक्स रेडी हो रहे हैं हमारे। मैंने सारे बैटर के फिर इस तरह से पैनकेक्स बना लिए, और जब इस पर बबल आना शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं इसको पलट दी गई हूँ, ये देखिए। और बिल्कुल लो फ्लेम रखना है आपने, आँच तेज़ नहीं करनी ताकि आपके ये जल ना जाए, बैक से कलर और बहुत खूबसूरत सा आ जाए। तो ये सारे पैनकेक्स मेरे रेडी हो गए हैं, और अब बारी है इनकी सर्विंग की। तो मैंने गार्निश करने के लिए हनी लिया है, आप न्यूट्रेला भी ले सकते हैं, मेपल सिरप भी ले सकते हैं, कोई भी जो आपके बच्चों को पसंद है आप वो उस पर लगा के बच्चों को सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बने थे, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी पसंद आएंगे, बहुत मज़े के सॉफ्ट से बने थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखें। और ये ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, और मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी फ्री में। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का, और बहुत शुक्रिया पहले ही अदा करती हूँ इसको शेयर करने का और पसंद करने का। लाइक आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखें, और रेसिपी को शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।